हाँ जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हमें 6 यूनिट के इस सेकंड पार्ट के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो हमने आपको फोर मेथड बताए थे, चार मेथड बताए थे फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट, जिसको तुम बोलते थे मेटालर्जी प्रोसेस बोलते थे। अब उसके अंदर क्या आता है कि जो सबसे पहला मेथड है उसमें तो सीधा सिंपल था, बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना। लेकिन दूसरे वाले मेथड का क्या नाम था हमारे पास भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए और, उसके अंदर आपने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ सिलिका एंड सिलिका लाइक इम्प्योरिटी। अब सिलिका को हटाते कैसे हैं, तो सबसे पहला मेथड देखो, ये छोटी क्लास में आता है, हैंड पिकिंग। अब जैसे कि सिलिका लाइक इम्प्योरिटी की बात करें, मान लो कंकड़ है, वो अगर मान लो चावल में होते हैं तो आप कैसे क्या करते हो, हाथ से उनको क्या करते हो, हैंड पिकिंग के द्वारा उनको रिमूव करते हो ना, है ना। लेकिन इसमें जितने मेथड होंगे ना, उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल बना के लिखना पड़ेगा, या एक ऐसे बताना पड़ेगा नोट बना के कि इस मेथड को कब यूज करेंगे। अब मान लो हमारे पास हैंड पिकिंग की बात आ गई, तो इस मेथड को कब यूज करेंगे, जब या तो इम्प्योरिटी या फिर मेटल की पार्टिकल की साइज क्या हो भाई, बड़ी होती है, तब हम इस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि इजीली उनको क्या कर सकें, हम हैंड पिकिंग कर सकें। दूसरे वाला जो मेथड है वहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल दो या फिर लेविगेशन प्रोसेस बोल दो। इसमें क्या होता है कि आप पानी के साथ वाश करवा के इम्प्योरिटी को रिमूव करते हो। लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्या लिखोगे, किस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब मेटल हैवी हो। क्यों? क्योंकि ये मेथड जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर काम करता है। ग्रेविटी का मतलब है, जो मेटल हैवी है वो तो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो रेत है या सिलिका है वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बहते पानी के साथ फ्लो कर जाएगी। कहने का मतलब है, इन दिस मेथड वी फ्लो द वाटर विद हाई स्पीड, हम पानी को फ्लो करवाते हैं विद हाई स्पीड, देन मेटल्स सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मेटल है वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, एंड सिलिका फ्लो विद द वाटर, जो सिलिका है वो पानी के साथ क्या आ जाएगी भाई, फ्लो कर जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब तीसरे वाला जो मेथड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये भी आपकी 10th क्लास में आ चुका है, थर्ड यूनिट में भी आ चुका है, आगे फिर से आएगा। कहने का मतलब, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया ना टॉपिक। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि देखो, अपने जो इम्प्योर मेटल है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एज ए हमें कैथोड ले लेते हैं, याद आया ना। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर प्योर कॉपर ही ले लिया, तो तुम उसी मेटल की प्योर इलेक्ट्रोड को एज ए तुम क्या ले लोगे भाई, एनोड ले लोगे। ठीक है, कहने वाला यहाँ पर तुम क्या लगा दोगे भाई, प्योर कॉपर, और उसी मेटल का तुम क्या ले लोगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट, कहने वाला मेटल साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब आगे आपने याद आ गया होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो किसमें डिकम्पोज होता है, ये Cu2+ एंड SO4 2- में, याद आया। ये कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये कॉपर के जो आयन है वो तो इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर कॉपर है, वो इसमें डिजोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या क्या है, एक तो जी इम्प्योरिटी है और एक कॉपर है, तो जो कॉपर है वो तो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cu2+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये Cu2+ किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके ऊपर हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और इसे इम्प्योरिटी का नाम क्या था, एनोड मड, इसको क्या बोलते हैं भैया, हमें एनोड मड बोलते हैं, याद आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में प्रिंसिपल तो सीधा सीधा आएगा कि जी मेटल साल्ट का जो मोल्टन स्टेट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं इसको हमें, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो आगे वाली सारी लाइनें लिख देना आप कि जी द आयन ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द एनोड एंड इम्प्योर मेटल स्टार्ट्स
डिजोल्विंग इन द इलेक्ट्रोलाइट. मेटल मेक्स द आयन एंड इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द या फिर बिलो एट फ्रॉम द एनोड. ठीक है, जो एनोड है उसके नीचे बिल्कुल इम्प्योरिटी इकट्ठा हो जाएगी, जिसका नाम क्या होता है हमारे पास भाई, एनोड मड. आगे सुन में, इससे अगली वाली चीज़ क्या आती है हमारे पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. हरियाणा बोर्ड में तो सबसे ज़्यादा आने वाला, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो कौन सा है भाई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन. तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे कि कब यूज करेंगे हम इसको, जब मेटल है पैरा मैग्नेटिक नेचर की हो. पैरा मैग्नेटिक समझते हो ना, जो मैग्नेट की तरफ क्या हो भाई, अट्रैक्ट हो. दोज मेटल विच हैविंग पैरा मैग्नेटिक नेचर आर यूज्ड टू रिमूव सिलिका बाई दिस मेथड. ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम उनमें से क्या कर सकते हैं भाई, सिलिका को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल छोटी सी लाइन लिखना, ये तो समझाने के लिए है. प्रिंसिपल लिखा, मेटल शुड बी पैरामैग्नेटिक, बस इतना ही भाई. इस मेथड के लिए मेटल जो है वो पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए. फिर प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे, प्रोसेस में क्या करोगे, एक तो रफली डायग्राम बना दोगे कि जी हमारे पास एक मील होती है जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है. जैसे इसके ऊपर हम पाउडर डालते हैं तो जो मेटल है वो तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस मील के नीचे ढेर बना लेगी. ठीक है, और जो रेत है वो क्या हो जाएगी, इससे दूर गिरेगी जाके. तो वेन वी पोर द पाउडर ऑन द मील, जब हम इसके ऊपर मील के ऊपर पाउडर डालते हैं, देन मेटल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो मेटल क्या होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी. मेटल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड मेक द हिप बिलो द मील एंड सिलिका मेक द हिप अवे फ्रॉम द मील. आगे सुन में, ठीक है, इससे अगले वाला मेथड है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. अगले वाला कौन सा आ जाएगा भाई हमारे पास, भाई फ्रोथ है फ्लोटेशन प्रोसेस. अब इसके अंदर देखो, इस मेथड को हमें मेटल सल्फाइड से रेत को हटाने के लिए यूज करते हैं. कहने मतलब है, मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी इस मेथड को क्या करते हैं हमें यूज करते हैं. अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे भाई, दो लिक्विड को यूज करेंगे. क्या करेंगे, दो लिक्विड को यूज करेंगे. मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो एक ऑयल ले लिया और एक वाटर ले लिया. अब जैसे ही इसके अंदर हम इम्प्योर मेटल डालते हैं, कौन सी मेटल है, जो सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट थी. ठीक है, अब उसमें क्या क्या होगी, एक तो जी मेटल सल्फाइड होगी, कहने वाला एक तो और होगा, और एक क्या होगी, सैंड रेत होगी. तो जो और है वो तो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो रेत है वो वाटर के साथ मिक्स होके गिल्ली हो जाएगी, वेट हो जाएगी. और गिल्ली रेत कैसी होती है, हैवी. ठीक है, हैवी होके क्या हो जाएगी, वो तो नीचे बैठ जाएगी. और जैसे ही हम इसको मिक्सर को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, तो मेटल पार्टिकल्स जो हैं, मेटल ओर के पार्टिकल हैं, वो क्या आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. आगे नहीं समझ पसंद है, कहने वाले रेत तो हटा दी हमने, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इन दिस मेथड वी यूज टू टाइप ऑफ ए लिक्विड. साथ साथ याद करते रहना आप, इन दिस मेथड वी यूज टू टाइप ऑफ ए लिक्विड इन विच वन लिक्विड एडजॉर्ब द मेटल और पार्टिकल. और पार्टिकल याद हो गया, इन विच वन लिक्विड एडजॉर्ब द मेटल और पार्टिकल एंड सैंड बिकम्स वेट इन दी पर बाय मिक्सिंग विद वाटर. और जो रेत है वो क्या हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी, वाटर के साथ मिक्स हो गए एंड बिकम्स हैवी. और क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, हैंस सेटल डाउन इन द मिक्सर. और मिक्सर ये क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी. वेहन वी रोटेट दिस मिक्सर विद हाई स्पीड, जब इस मिक्सर को हम क्या करेंगे भाई, हाई स्पीड से रोटेट करेंगे, देन मेटल और पार्टिकल कम्स ऑन द सरफेस. तो मेटल और पार्टिकल क्या आ जाएंगे भाई, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. आई बात समझ में, लेकिन किसी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया कि जी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेटल सल्फाइड फॉर्म में हो तो,
कहने का मतलब जैसे कि एग्जांपल दो आपको, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, ये दोनों के दोनों मिक्स होते हैं, इनको जी अलग अलग कैसे करें? तो हमें एक सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा। एक को तो क्या कर देगा, नीचे बैठा देगा, और दूसरे को क्या कर देगा, सरफेस के ऊपर ला देगा। उस सब्सटेंस का नाम होता है डिटर्जेंट। क्या नाम होगा भाई? डिटर्जेंट। याद हो गया? कहने वालों द सब्सटेंस विच सेपरेट द मेटल्स विच प्रेजेंट इन ए सल्फाइड फॉर्म। जो मेटल्स बोलो मैंने, ठीक है, मान लो एक से ज़्यादा मेटल सल्फाइड फॉर्म में है, तो उनको सेपरेट करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हमें? डिटर्जेंट। एग्जाम्पल पूछे तो आप बता देना कि वी रिमूव जिंक सल्फाइड फ्रॉम ए PBS, लेड सल्फाइड से हमें अलग अलग करते हैं बाई यूजिंग ए NaCN एज ए डिटर्जेंट। सोडियम साइनाइड को हम एज ए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर PBS तो फ्रोथ के रूप में ऊपर आ जाएगा और जो जिंक है, जिंक सल्फाइड है, वो नीचे बैठ जाएगा। आई बात समझ में इतना? इसी के अंदर लास्ट प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाला। इससे अगले वाला कौन सा हमारे पास भाई? लीचिंग। लीचिंग समझाने से पहले मैं आपसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। मान लो आपको नमक में से, साल्ट में से रेत को रिमूव करना हो, कैसे करोगे? तो सीधा सीधा दिमाग में आता जी, पानी में डिजोल्व कर देंगे। तो जो नमक है वो तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और रेत क्या हो जाएगी? पानी में नीचे बैठ जाएगी, है ना। और उस मिक्सर को हम क्या कर लेंगे? दूसरे वाले कंटेनर में निकालेंगे, रेत नीचे रह जाएगी। तो हमें तो जी रेत ही हटानी है ना, क्योंकि नाम क्या है हमारे टॉपिक का आज? कंसंट्रेशन ऑफ ए और। तो हम क्या करेंगे लीचिंग प्रोसेस में? ऐसा ही काम करेंगे, जो मेटल है उसके साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जिसके कारण वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना ले, कहने वाला साल्ट की तरह बिहेव करने लग जाए, रेत तो नीचे बैठ ही जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमें AG का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम AG के अंदर CN ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर AgCN की होल ट्वाइस 2-1 नेगेटिव, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है, ये जो हमारे पास सिल्वर है जो कि सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। आगे आप समझ गए होंगे, तो ये तो डिजोल्ड हो जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगी हमारे से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें डिक्नेशन प्रोसेस छोटी क्लास में आता था ना कि हम इस पानी को क्या कर लेंगे, दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। तो इस मेथड के द्वारा हमें रेत को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमें इतना ही तक करना था, अगले वाली वीडियो के अंदर हम दो स्टेप उठाएंगे, अगले वाले दो स्टेप कि भी मेटल ओर को पहले ऑक्साइड के अंदर चेंज करेंगे और फिर ऑक्साइड को मेटल्स के अंदर चेंज करेंगे।